Assalamualaikum, konnichiwa, hello, this is Arif और आज जो है वो हम टोक्यो हाचियो जी टोक्यो में मौजूद हैं और मेरे साथ है पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसमें सारे लोग जो है वो स्कॉलरशिप इस वक्त जापान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में टोक्यो बेस्ड साइतामा में या टोक्यो में पढ़ रहे हैं। तो वेरी क्विकली आज जो है वो हम सबसे पहले क्विकली तारुफ और इसके बाद हम इनसे एक ही सवाल करेंगे कि पाकिस्तान से जापान आते हुए कितना कोई इनका खर्च हुआ है, क्या कोई पैसे देकर ये जापान पहुंचे हैं और अब यहाँ पे स्टडीज़ कैसी चल रही हैं और क्या ये रिकमेंड करते हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जापान में पाकिस्तान में बैठे हैं जो जापान आना चाहते हैं उनको आना चाहिए, क्या जापान में लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें कैसी हैं। सो क्विकली सबसे पहले हम तारुफ करवा देते हैं साजिद भाई। साजिद भाई साइतामा यूनिवर्सिटी में PhD जी, साइतामा और आप सिंध से बिलोंग? सिंध से, बेसिकली मैं शिकारपुर सिटी से हूं। और मेरा बैचलर्स और मास्टर्स सखराइबी से है। और यहाँ पे मैं साइतामा यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर PhD का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस मेजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। इसके अलावा मैं आता हूँ आपका एक सवाल लिखाऊंगा। तो इसके बाद हमारे पास सनाउला, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मेरा ताल्लुक मियांवाली से है और तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया अब जापान में, और मैं UET लाहौर का ग्रेजुएट हूँ और अब टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सरारिफ का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, अब मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ पे। जी थैंक यू सो मच, इधर आ जाएं जी। शहरयार अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार ब्रोही है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है और मुझे जापान आते हुए 6 महीने हुए और मैं यहाँ पे PhD करने के लिए आया हूँ। PhD कर रहे हैं, नेक्स्ट पे हैं आप भी। इधर जहीर भाई की तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहीर अहमद है और मेरा ताल्लुक गिलगित पाकिस्तान से और मैं भी TME में PhD कर रहा हूँ। और फाइनली हम आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीर अहमद है, मैंने कायदे आवाम यूनिवर्सिटी से बैचलर की हुई है केमिकल इंजीनियरिंग में और मुझे यहाँ पे आए हुए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए। आप टोक्यो यूनिवर्सिटी? जी मेरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है। वेरी गुड वेरी गुड। सो ये हमारे पास एक क्विक इंट्रोडक्शन था। आप एक ही सवाल जो है हम करते हैं, ज़्यादा हम नहीं जाते, एक एक सवाल बल्कि कर ले। तो सबसे पहले जो है वो साजिद भाई, अब तमाम लोग मैक्स्ट पे ही हैं तो मैं मैक्स्ट का एक एक सवाल सबसे करता हूँ। आपसे पहला सवाल, प्रोसेस क्या फॉलो किया था आपने जापान आने के लिए पाकिस्तान से? सिंपल, मैं जब मैक्स पे आया हूँ वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से आया हूँ और उसमें मैंने जो सिंपली ईमेल की थी प्रोफेसर को, उसे अपना प्रपोजल सेंड किया PhD का कि ये एरिया है और ये डोमेन है, मैं काम करना चाहता हूँ। तो उसने फिर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया सिंपल, और उसके बाद उसने मुझे रिकमेंड कर दिया कि वी कैन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। उसका फिर अपना आइडिया था बेसिकली, फिर उसी के में उस पर ही मैं काम कर रहा हूँ। और ये तकरीबन कितना ड्यूरेशन आपको लगा होगा कॉन्टैक्ट से करने से जापान आने तक का? ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, मैं आया हूँ यहाँ पे सेप्टेम्बर 2022 में आया हूँ, तो ये मैं तक ऑलमोस्ट 6 से 8 माह मैंने पहले स्टार्ट किया था प्रोसेस। और यानी डेड लाइन से पहले और प्रोसेस चलता रहा और फाइनली आप फिर तो कंप्लीट प्रोसेस अगर हम कहें कि 1.5 साल तक लग गया। आपने कुछ पे भी किया इसमें? कोई आपका पैसे भी लगे? नहीं, नथिंग, जीरो। वीजा भी फ्री है, एयर टिकट वो भी मैक्स की तरफ से था। अच्छा, मैक्स की तरफ से थे। जी जी, चलें, थैंक यू सो मच। मैं सनाउला की तरफ बाद में आता हूँ क्योंकि इनसे एक और सवाल मैं करता हूँ। शहरयार आप भी मैक्स्ट पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे मैक्स्ट की जो फैसिलिटीज जो स्टाइपेंड है वो बता दें टोटल कितना है, और क्या आपको लगता है कि टोक्यो में अगर कोई सिर्फ स्टाइपेंड ही पे करना चाहे तो वो रह सकता है इजीली? अच्छा बिल्कुल, मैं मैक्स्ट की स्कॉलरशिप पे ही आया हूँ और जब स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, एक फर्स्ट जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं रिसर्च स्टूडेंट्स। जो मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे आया था, तो जो हमारी स्टाइपेंड थी वो थी 1,46,000 ईएन। फिर उसके बाद जब रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 1,48,000-2,000 वो ज़्यादा होते हैं। ये स्टाइपेंड वेरी करता है एरिया टू एरिया। अगर टोक्यो की हम बात करते हैं तो ये इतना है कि आप इससे आप अपना सर्वाइव भी कर सकते हैं, अपने खर्चे भी निकाल सकते हैं और कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। कुछ सेविंग भी, कुछ भी ना करें, कोई जॉब ना करें और कुछ भी ना करें तो इतना है कि आप 30,000-40,000 येन आप बचा सकते हैं। पाकिस्तानी को 70,000-1,000 आप फैमिली को भी पीछे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। जहीर भाई आपकी भी एग्री करते हैं, ऐसा ही है यहाँ पे? ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पर इतने टोक्यो के अंदर भी और टोक्यो के आसपास एरिया में भी अराउंड ऑलमोस्ट 1 लाख येन आपका खर्चा हो जाता है, आपका रूम रेंट
खाना पीना इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सारा मिला के ऑलमोस्ट 1,10,000-1,20,000 तक मैक्सिमम। आप खुद के खर्चे करें तो भी 1,20,000 तक आपका खर्चा और बाकी जो भी आप बचा सकते हैं और अगर आप कोई पार्ट टाइम कर लें तो वो मजीद आपका एक्स्ट्रा बच सकते हैं। अच्छा तो जमीर भाई आप बता दें जापानीज प्रोफेसर्स के साथ आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे होंगे, यहाँ पे भी रवैया आपको कैसा लगा है उनका, यानी आपका काम करते हुए? इस कंपेयर्ड पाकिस्तानी प्रोफेसर के यहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसे कोई स्ट्रेस तो नहीं देते किसी को कि आपको अगर हमने उनको कुछ भी बोल दिया या उन्होंने हमें कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर ने कहा भाई कल मीटिंग है आपने ये चीज प्रेजेंट करनी है, तो अगर मैं नहीं भी कर पाया उनको कहा कि आज मैंने काम नहीं किया, तो वो कहते हैं चलें ठीक है सही है फिर कल कर लेना। मतलब कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव, चाहे कितने भी बिजी हो लेकिन आपकी ईमेल का आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगा। इवन के जब हमारी वेकेशंस होती है तो प्रोफेसर कहता है आप कहीं भी जाए ना मुझे बता दें, आप अपना इमरजेंसी भी नंबर दे दें ताकि कहीं भी अल्लाह खैर करे अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लें। और लास्ट क्वेश्चन क्विकली, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बता दें, आप रह रहे हैं यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, एनवायरनमेंट, ये तो बहुत safety. बड़ा, इस पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत बड़ी चीज हो। ओवरऑल क्या आप मुतमैन हैं? बहुत जबरदस्त माहौल है यहाँ का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के या अपने जो कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे यहाँ पे मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत, पहले मुझे होता था सर्दी से जुकाम बुखार हो गया, काफी मुझे मसले पाकिस्तान में हुए लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई वो लग रहा है माशाल्लाह आपकी सेहत से। आप यकीन माने कि मैं वहाँ पे अगर पाकिस्तान में होता तो कहीं भी विंटर में जाऊँ तो मैं अपने साथ टेबलेट्स वगैरह रखता था, यहाँ भी ले आया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी टेबलेट, आज कल मैं आपके पास एग्री करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा रहा था, 7 महीने तक मुझे किसी भी टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी गुड। सनाउल्ला क्विकली लास्ट, मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपसे बनानी है बट लास्ट में क्या यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट जब आ जाता है उसके पास अगर सैटरडे संडे तो टाइम होता ही है तो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे जापान में मिल जाती हैं? टोक्यो में फर्ज करने बंदा है अगर स्टूडेंट है वो सिर्फ अगर सैटरडे संडे या कोई करना चाहता है जब उसके पास फुर्सत हो तो? जी सर, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया सर। बेसिकली अगर आप टोक्यो की एग्जाम्पल ले लें या डिफरेंट सिटीज की एग्जाम्पल ले लें, आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब बड़े इजीली मिल जाएगी। अब दो किस्म की पार्ट टाइम यहाँ अवेलेबल है, एक तो अगर आप इंग्लिश टीचिंग की फील्ड में जाना चाहें तो आपको मल्टीपल कंपनीज हैं, आप उनमें अप्लाई करके इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं, वो बड़ा आपकी भी लर्निंग है और आप बहुत हद तक लर्न करते हो, आप टीचिंग की भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकते हो। दूसरा यह है कि अगर आपको नहीं आती तो आपको थोड़ी सी जापानीज की ग्रिप है या जापानीज नहीं भी आती तो कुछ और भी पार्ट टाइम जॉब फैक्ट्री के फैक्ट्रीज और अमेजोन वर्किंग इन अ कन्वीनियंस स्टोर सुपरमार्केट इन जगह भी आप काम कर सकते हैं तो इससे भी आप अच्छी। तो तकरीबन ये पाकिस्तानी अगर मैं बात करें तो एक घंटे की कितनी ऑलमोस्ट बन जाते होंगे पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम बात कर लें? सर अगर हम मिनिमम बात करें तो 1100 येन है अभी टोक्यो में रेट, जो 1100 येन तकरीबन पाकिस्तानी कोई 2000 के आस पास 50 के करीब बनता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम अगर आप देखें तो वो 2000 येन है जो पर और, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन आपका 3800 तक बन जाता है, यानी ऐसा कोई है। और जी इधर भी जी सनाउला ने बहुत अच्छी बात की पार्ट टाइम के हवाले से, लेकिन मैं भी थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अक्टूबर में आया था तो नवंबर को छोड़ के दिसंबर से मैं पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किए, दिसंबर से मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 3 पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। मैं अपनी लैब में भी एज प्रोजेक्ट असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक और कंपनी है वहां भी काम कर, अभी हम लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हम भी अभी पार्ट टाइम जॉब करके ही यहाँ पे बैठे हुए। और इसमें मैं कंक्लूड हम मीटिंग को कर लें, मैं अभी खुद भी आपके सामने एक बात कर रहा था कि मेहनत में अजमत है, बेसिकली ये हमारा हम भूल गए हैं। पाकिस्तान में मैं अब गया हूँ तो जो मैंने जमीर में एक ट्रेंड देखा है ना कि जी वो फिना कहते हैं जी वो बेचारा शाम में जाके फ़र्ज करें जी वो अपनी स्टॉल लगाता है स्टूडेंट, तो मैंने कहा यार उसको बेचारा क्यों कह रहे हैं, उसको इनक्रेज करें। अगर एक बंदा अपना स्टूडेंट के साथ वो जाके जॉब करता है, ठेला लगाता है, वट एवर, बेसिकली तो ये हमारा वो था ना अम्बिया, हमें बताया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसे फिटनेस, मैं बिलीव करता हूँ कि इसे फिटनेस में आपकी बेहतरी आती है बजाय इसके कि आप घर में सोए रहें या। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे ख्याल में हमारे ऑडियंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये सवाल कर रहे होते हैं, मैं तो आंसर करता ही हूँ लेकिन आज मेरे पास ऑलमोस्ट 4-5 लोग, बिरोही साहब मेरे ख्याल में हमारे चाय बना रहे हैं तो वो शायद उधर मसरूफ हो गए हैं, बट अगेन थैंक यू सो मच। और ये जो लोग हैं अगर आप में कोई स्कॉलरशिप पे कोई इंटरेस्टेड हो और वाकई में उसके पास चीज़ें हों तो मैं आपको इन लोगों से कनेक्ट भी करवा सकता हूँ, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें और आपको इंशाल्लाह रेलेवेंट गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।